हम यहाँ पर ये बताने के लिए आए हैं, ये छोटा सा जो जो ज़मीन का ये टुकड़ा है, ये जो है हमारे ये भूपेंद्र भाई का है, हमारे पड़ोसी किसान का है। और यहाँ पर क्या है कि एक नाला आ जाता है, इस नाले के कारण इनका जो ट्रैक्टर है वो इस तरफ नहीं आ पाता है। तो आपका ट्रैक्टर इस तरफ नहीं आ पाता, इसलिए ज़मीन ऐसे ही पड़ी हुई है। तो इसमें हम दो इसको यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सीधे गेहूं का बीज फेंक देते हैं। यहाँ पर जो भी खरपतवार लगी है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये एक खरपतवार, इसने क्या किया है कि पूरा एक इस ज़मीन के ऊपर घर बनाया, ठीक है। तो जो घास होती है उसको भी इसने मिटा दिया, गाजर घास को मिटा दिया, सबको मिटा के इसने अपना घर बनाया, ठीक है, इसने अपना घर बनाया। इसके घर बनाने से क्या हुआ कि खेत में एक सा कवर बन गया, ठीक है। अब ये कवर बनने से क्या होता है कि इसके नीचे असंख्य जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, केंचुए और बहुत सी चीज़ इसके अंदर रहती हैं, चीते हैं, चीटी है, तो वो ज़मीन के अंदर जो रहने ज़मीन के अंदर की ये जो चीज़ें वो इसके अंदर सुरक्षित हैं। काहे के कारण? इस कवर के कारण, ठीक है। और वो जो है उसका जो जीवन चक्र है उन चीज़ों का, चीटों का, पूरा कई किस्म के चीज़ें, तो वो ज़मीन को बिल्कुल जैसा अपन खेत बखरते हैं ना, ठीक वैसा ही मतलब वो कीड़े मकोड़े जो है खेत को बखर देते हैं अंदर गहराई तक, उसकी पोरेसिटी जो होती है, छिद्रता, उसको बना देते हैं, और उनके मल मूत्र और उनके पूरे जीवन चक्र से खाद भी बन जाती है। तो आपकी खाद बन गई, आपकी ज़मीन की जुताई हो गई। और होता ये है कि इसमें चूँकि हम जुताई नहीं करते, तो जो बरसात का पानी है वो सीधा वो छिद्रित के कारण वो ज़मीन में बैठ जाता है, वो बहता नहीं है। जबकि जुताई करने से क्या होता है कि वो मिट्टी बह जाती है, वो इसका बहना रुक जाता है। तो हमको सबसे पहला काम जो था हमने इसको रोका। इसका वानस्पतिक नाम क्या है वो तो हम अभी नहीं जान पाए हैं, पर हम इसको जो है ऋषि कृपा नाम दिया हमने, क्योंकि हम इस खेती को ऋषि खेती कहते हैं, इसलिए जो है एक ऋषि कृपा इसको हमारे एक मित्र ने नाम दिया। जैसा ये दिख रहा है ना इस तरफ, ऐसा पूरा कवर बना था और उसमें से गेहूं, अब देखो अब सब में सब जगह से जो है गेहूं निकल के और बाहर आ रहा है। तो ना तो जुताई करने की ज़रूरत पड़ी, ना निंदाई करने की ज़रूरत पड़ी, ना किसी प्रकार की खाद और दवाई और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, और इसमें जो है बड़े आराम से ये जो गेहूँ पैदा हो रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो गेहूँ है, जो आप ज़रा थोड़ा सा दिखाएंगे तो आप देखेंगे इसमें क्या है, एक तो ज़मीन ऊंची नीची है। सामान्यतः अपन जुताई की खेती करते हैं तो अपने को समतल ज़मीन चाहिए, इसमें समतल होना ज़रूरी नहीं, ऊंची नीची ज़मीन में ये खेती हो जाए। दूसरा इसमें पेड़ भी हैं, तो पेड़ों के साथ भी ये खेती आसानी से की। हमने इसमें जो है गेहूँ के बीज बिखरा के स्प्रिंकलर से पानी दिया था, अब तो बारिश आ गई, अब बारिश से ही जो है होने लगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ज़मीन की जुताई नहीं करने से एक तो मिट्टी की बचत हो जाती है, और मिट्टी के साथ साथ जो है उसमें जो वनस्पतियां हैं, जो खरपतवार हैं, मतलब इसके अलावा जो जीव जंतु कीड़े मकोड़े केंचुए असंख्य क्या क्या चीज़ें, वो जब इसमें सब सुरक्षित रहती, तो एक प्रकार से ये पूरी अहिंसात्मक खेती, इसमें हिंसा नाम ही नहीं है। और अपन जब जुताई करते हैं तो अपने को पेड़ नहीं रख सकते, पेड़ सब काटने पड़ेंगे, है ना। दूसरी बात यह है कि अपने को जो है ज़मीन को खोद देंगे तो उसकी तमाम जो जैव विविधता है केंचुए से लेके सभी वो सब मर जाएगी। तो एक प्रकार से हर चीज़ को अपन को मारना पड़ता, फिर कोई बीमारी आई तो उस पर दवाई डाल के उसको मारना पड़ता। तो इसमें ना बीमारी आती, क्योंकि क्या है, जब आपने ज़मीन की ताकत को बचा लिया, ठीक है, तो इसके अंदर जो फसल पैदा होगी वो भी ताकतवर हो जाएगी और उसमें कोई भी बीमारी नहीं लगेगी। तो ये अपने को बहुत बहुत ही ज़्यादा इस समय अपने को सोचने की ज़रूरत है कि हम जो खेती कर रहे हैं जुताई वाली, उसमें कैसे अपने को परिवर्तन करके और अपन इस तरफ आएँ। अब आप खुद सोचो
कि आप तो हमारे पड़ोसी हो, है ना, ये कहाँ से चले आ रहे हैं, ढूंढते हुए फ्रांस से चले आ रहे हैं, है कि नहीं। तो आप बहुत अच्छा हुआ कि आप आ गए और हम आप ही के खेत में और आप ही के की फसल को दिखा के इनको बता रहे हैं, और आप ही को मतलब ये हम मतलब प्रेरित कर रहे हैं कि आप अपने खेतों में जहाँ तक संभव हो जुताई और रासायनिक खाद का को उठाने की कोशिश, क्योंकि क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए, अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, इन बच्चों की ग्रोथ के लिए सब इनको हमको पढ़ाना है, अच्छे से अच्छा एजुकेशन देना है, ठीक है। तो सवाल ये है कि इनको अच्छा खाना भी चाहिए। ये जो गेहूं है जिसमें कि कोई रस जुताई नहीं हुई है, जो रासायनिक खाद नहीं है और जो कुदरती जो है, ये कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने की ताकत रखता है। यदि ये बच्चों को खिलाया जाएगा तो बच्चों की को आप बहुत अधिक मेवा मिष्ठान आप मत दीजिए, आप कम से कम एक शुद्ध रोटी तो दो आप बच्चों को। यदि हम अपने बच्चों को शुद्ध रोटी खिला पाए, है ना, तो अपने आप ही इनका शारीरिक और मानसिक विकास भी तेजी से हो, ठीक है कि नहीं। तो बहुत अच्छा हुआ आप आए, अपन अब यहाँ से जो है अब दूसरे फील्ड में चलेंगे।